बायदुल मयाद असलहा लाइसेंस का ये केस है। अदाकार असद मलिक को कैंट कचहरी में पेश कर दिया गया है। आपको बताएं कि जायदुल मयाद असलहा लाइसेंस का ये अहम केस है जिसमें गैर कानूनी असलहा रखने का इल्ज़ाम था। पुलिस ने अदाकार असद मलिक को कैंट कचहरी में पेश कर दिया है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे नुमान नूर। नुमान बताएगा, पेश कर दिया गया है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जो है जायदुल मियाद असलाह रखने पर जो है वो अदाकार असद मलक को कैंट कचहरी की अदालत में पेश किया गया। मुजरिम को जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट शहबाज हसन राणा की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानब से अदालत को बताया गया कि गुज़श्ता रोज जो है मुलज़म को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एएसएफ ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था। मुलज़म से ऑटोमेटिक गन जो है बरामद हुई थी जिसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था, और इस हवाले से मुलज़म के खिलाफ जो है वो थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और आज मुलज़म को अदालत में पेश किया गया। और मुलज़म की जानब से जो अदालत में वकील पेश हुए, उन्होंने अदालत से सदा की कि मुलज़म लाइलम था कि इसके जो असले का जो लाइसेंस वो एक्सपायर हो चुका है, लिहाजा मुलज़म की दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाए, आज ही जो है असले के लाइसेंस को रिन्यू करवा लिया जाएगा, जिस पर अदालत ने आपका नाम